भारत जल्द ही अपनी बहुप्रतीक्षित इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का परीक्षण करने जा रहा है। ये भारत की पहली भारतीय मिसाइल होगी जो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक हमला कर सकेगी। टेस्ट करीब 2 साल बाद किया जा रहा है। एक अंग्रेजी अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अग्नि-5 के लॉन्च की तैयारियां आखिरी चरण में हैं और इसी महीने के आखिर में इसका परीक्षण ओडिशा के विलर आइलैंड से किया जा सकता है। इस मिसाइल के दायरे में पूरा चीन होगा, जिसकी वजह से इस टेस्ट को रणनीतिक तौर पर बेहद अहम माना जा रहा है। अग्नि-5 मिसाइल की खासियत की बात करें तो एटमी हथियार ले जाने में सक्षम ये मिसाइल करीब 5500 किलोमीटर तक मार कर सकती है। 50 टन वाली यह देश की पहली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका केनिस्टर संस्करण में पहली बार परीक्षण किया गया। अग्नि-5 मिसाइल की लंबाई 17.5 मीटर है और इस पर करीब 2500 करोड़ रुपए की लागत आई है। यह मिसाइल 1.5 टन का हथियार किसी भी देश के अंदर तक ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल भारत की परमाणु निरोधक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। अग्नि मिसाइलें परमाणु हथियारों के खिलाफ भारत की प्रतिरोधी क्षमता का अहम हिस्सा है। इन मिसाइलों की रेंज 700 किलोमीटर से शुरू होती है और अब अग्नि-5 आने के बाद 5000 किलोमीटर तक हो गई है। इसे DRDO ने ही विकसित किया है। ब्रिटेन, चीन और रूस जैसे देशों में जो अंतर महाद्वीपीय मिसाइलें हैं, अग्नि-5 उन्हीं की टक्कर की है। अग्नि-5 में इस्तेमाल की गई तकनीकें अमेरिका जैसे देशों की मिसाइलों में उपयोग होने वाली तकनीक से भी बेहतर है। अग्नि-5 की तकनीकों में समग्र रॉकेट मोटर माइक्रो नेविगेशन सिस्टम शामिल है। यह मिसाइल चीन के सुदूर उत्तरी इलाकों को भी निशाना बनाने में सक्षम है। वैसे आपको बता दें कि तमाम खूबियों से लैस इस मिसाइल का पहला टेस्ट अप्रैल 2012, दूसरा टेस्ट सितंबर 2013 और तीसरा जनवरी 2013 में हुआ था। आखिरी बार इसका टेस्ट जनवरी 2015 में हुआ था, लेकिन इस टेस्ट में कुछ खामियां पाई गई थी। तो तमाम पड़ावों को पार करने के बाद ये मिसाइल सेना के बेड़े में शामिल होगी। वैसे भारत के इस कदम ने चीन की नींद जरूर उड़ा रखी है, क्योंकि इस मिसाइल को अगर वास्तविक नियंत्रण रेखा के बेहद करीब से छोड़ा जाए तो यह चीन के उत्तरी भाग तक प्रहार करने में सक्षम है। देखते रहिए DB Live।